आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाए जाने को लेकर जिला कारागार में तिरंगा झंडा बनाए गए हैं। सत्यमेव जयते संस्था के पदाधिकारियों ने बंदियों से तिरंगा झंडा बनवाए हैं। इसके एवज में महिला और पुरुष बंदियों को उनकी मेहनत का भुगतान भी किया गया है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाए जाने को लेकर जिला कारागार में तिरंगा झंडा बनाए गए हैं। सत्यमेव जयते ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भुगतान कर बंदियों से तिरंगा झंडा बनवाए हैं। जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया का कहना है कि सत्यमेव जयते ट्रस्ट ने मटेरियल दिया था। इसके बाद जेल में निरुद्ध दो महिला और दो पुरुष बंदियों ने 4,500 तिरंगा झंडे बनाए। इसके एवज में सत्यमेव जयते ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने महिला और पुरुष बंदियों को 2 रुपए प्रति तिरंगे के हिसाब से भुगतान किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला कारागार आगरा में सत्यमेव जयते ट्रस्ट के द्वारा कच्चा माल हमें उपलब्ध कराया गया। हमने जो है अपने 2 महिला बंदी और 2 पुरुष बंदियों की मदद से उन झंडों को सिला। सत्यमेव जयते के द्वारा सिलाई के रूप में बंदियों को पारिश्रमिक 2 रुपये प्रति झंडे के हिसाब से उपलब्ध कराया गया। 4,500 झंडे हमने तैयार करके संस्था को उपलब्ध करा दिए हैं। आगे और अगर वो रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते हैं तो हम सिलाई का कार्य जारी रखें। जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया का कहना है कि पूरा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है। घर घर तिरंगे झंडे लगाए जाएंगे। इसको लेकर बंदियों से तिरंगे झंडे बनवाए गए हैं। 4 बंदियों ने 4,500 तिरंगे झंडे 5-6 दिन में तैयार कर दिए हैं। तिरंगा झंडा बनाए जाने पर बंदियों को रोजगार भी मिला है। इस तरह अन्य जेलों में भी बंदी तिरंगे झंडे बना रहे हैं। पूरे देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसमें हमारे बंदी भी क्यों पीछे रहे। हमने स्वयं NGO व उद्योग विभाग से संपर्क किया कि ये जो झंडे बनाए जा रहे हैं, हमारे बंदी जो कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हैं, आप यदि हमें कच्चा माल उपलब्ध करा दें तो सिला के हम समय से आपको उपलब्ध करा देंगे। उसी के तहत ट्रस्ट ने हमें 4,500 झंडे के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया था। हमने उनको तत्काल 5-6 दिन में सिल के उनको दे दिया है। 11 से 17 अगस्त तक मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव के लिए बनाए गए तिरंगे झंडे सिलाई मशीन से बनाए गए हैं। संस्था की तरफ से झेल की महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट की गई थी। तिरंगा झंडा बनाए जाने के साथ महिला बंदी सिलाई कढ़ाई का कार्य कर रोजगार परक बन गई हैं। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।